हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड। आप देख सकते हैं एक रोड जो है यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग बताने जाए तो क्रॉस सेक्शन मतलब यही रोड को अगर हम लोग बीच से काटें, काटने के बाद अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर मान ली खड़ा हो गए तो वो रोड कैसे देखने को मिलेगा, उसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। पर क्रॉस सेक्शन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बहुत है, क्योंकि इसमें एक क्रॉस सेक्शन होने के बाद हम लोग रोड में क्या क्या चीज़ जो एक चीज़ का जो है नाम हम लोग जो है जान पाते हैं। रोड एक रोड में क्या क्या जो है अपना इम्पोर्टेंट होता है, उसमें अपना मान लीजिए कैरिज वे होता है, उसके बाद शोल्डर होता है, कर्व होता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है। तो वही चीज़ के बारे में जो मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा, ये जो चीज़ आज मैं डिस्कस करूँगा ये टोटल जो है एक मतलब इंटरव्यू के ऊपर जो है अपना बेस किया हुआ है। अगर रोड में आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं करेंगे, अगर मतलब काम करने वाले हैं तो भी ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत जो है हेल्पफुल होगा। आप ये वीडियो को अच्छे से जो है देखिए, और अगर समझ में ना आए तो मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड जो यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन मैंने जो है दिखाया है आप लोगों के लिए, ये क्रॉस सेक्शन है, ये टोटल जो है क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये जो है एक रोड है, एक्चुअली इसको बोलते हैं कैरिज वे। आप लोग देखिए यहाँ पे जो है मैंने जो है ये सी डब्ल्यू मतलब कैरिज वे, ठीक है। यही चीज़ को जो है हम लोग जो है रोड बोलते हैं, कैरिज वे को ही हम लोग जो है रोड बोलते हैं। बाकी चीज़ को हम लोग देखते नहीं है, पर वो भी एक जो है रोड का जो अपना जो है कंपोनेंट होता है। जैसे ये मान लीजिए शोल्डर होता है, ये भी जो है बहुत अपना एक इम्पॉर्टेंट होता है, साइड स्लोप होता है, बर्म होता है, लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन होता है। तो ये सब का काम क्या है, ये सब जो है क्यों दिया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। तो कैरिज वे जो जिसके ऊपर से गाड़ी जो है चलता है, मतलब जो लोड लेता है रोड का, टोटल जो लोड लेता है वो कैरिज वे लेता है। और लोड को डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये जो अपना आता है, कुछ आता है जब नीचे में आता है, ठीक है, एम्बैकमेंट में, और कुछ जाता है शोल्डर में। शोल्डर अगर हम लोग नहीं देंगे तो वो जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो यहाँ पे अगर कुछ मिट्टी अगर कुछ मतलब नहीं रहेगा तो वो जो क्रैक कर देगा ये जो अपना कैरिज वे में, ठीक है, ये जो कैरिज वे में जो है क्रैक कर देगा। इधर से जो है एक लोड तो आ जाएगा अपना नीचे से, और साइड से जो अपना अगर यहाँ पे कुछ मान लीजिए मिट्टी अगर नहीं रहेगा तो ये जो है साइड से अपना क्रैक कर देगा रोड। तो इसीलिए जो है शोल्डर हम लोग जो है अपना ये करते, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कैरिज वे का अपना विथ कितना होता है, शोल्डर का जो अपना विथ कितना होता है, ये सब मैं आपको जो है आगे में जो है बताऊँगा। अभी बस जान लीजिए कि ये क्यों दिया जाता है। अच्छा, कैरिज वे तो हो गया और शोल्डर भी हो गया, अभी बचा अपना फॉर्मेशन विथ। फॉर्मेशन क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैरिज वे और शोल्डर और टोटल जो है ये फॉर्मेशन विथ दिया हुआ है। मतलब कैरिज वे और शोल्डर को मिला के जो बन रहा है अपना, जितना चौड़ाई बन रहा है उसको, वो टोटल चौड़ाई को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ विथ, ठीक है। यहाँ पे जो है अपना शॉर्ट फॉर्म से FW लिखा हुआ है, और शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, CW का क्या है, FW का क्या है, ROW वो जो है उसका भी क्या है, ठीक है, उसके पास शोल्डर का क्या अपना शॉर्ट फॉर्म है, सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे साइड स्लोप पे। साइड स्लोप क्या है, अगर मान लीजिए रोड के ऊपर अगर मान लीजिए बारिश हुआ तो बारिश का पानी साइड स्लोप से होके अपना ड्रेन में चला जाएगा, इसीलिए हम लोग जो है साइड स्लोप जो है अवॉइड करते हैं। और स्लाइड स्लोप इसलिए भी अवॉइड करते हैं कि अगर मान लीजिए अपना हाईवे हो तो हाईवे में जो है लोड बहुत आता है, तो मिट्टी उसके उसके नीचे में, रोड के नीचे में अगर हम लोग फिलिंग करेंगे तो फिलिंग का अपना स्लोप अगर देंगे तो वो अपना लोड का जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। उसको अगर मान लीजिए रेक्टेंगल अगर हम लोग कर देते हैं तो उसको वो जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन उतना जो है ले ही नहीं पाएगा, ठीक है, जितना हम लोग का जो है साइड स्लोप में जितना ले पाएगा, ठीक है, समझ में। अच्छा, और एक चीज़ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड मार्जिन दिखा हुआ है, कि कहाँ से दिखा हुआ है, वो दिखा हुआ है फॉर्मेशन विथ से अपना जो अपना जहाँ तक रोड जाएगा उसको बोलते हैं रोड मार्जिन। उसके बाद क्या दिखा है, बाउंड्री लाइन, कॉन्ट्योर लाइन, ठीक है। तो बाउंड्री लाइन क्या है, जहाँ तक अपना रोड मतलब रोड जहाँ पर मतलब जहाँ तक है उसको बोलते हैं अपना बाउंड्री लाइन। और बिल्डिंग लाइन भी एक है, और उसको बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है।
भी सेटबैक डिस्टेंस और बिल्डिंग लाइन इसलिए बोलता है कि सेट, ये मैं आपको जो है लास्ट में बता दूंगा, तो पहले तो जो है ये समझ लीजिए कि बिल्डिंग लाइन क्या होता है। बिल्डिंग लाइन मान लीजिए हम लोगों का जहाँ तक अपन लोगों का रोड है, रोड जहाँ तक है उसका थोड़ा जो दूर जाके हम लोग का बिल्डिंग लाइन होता है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग उसके आगे में जो है नहीं आ पाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी अगर हाईवे होगा तो हाईवे से थोड़ा दूर जाके जो है बिल्डिंग बनता है, तो वो होता है अपना बिल्डिंग लाइन। मतलब बिल्डिंग लाइन के आगे में जहाँ पे अपना हाईवे होता है उस तरफ में आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, उसके पीछे में मतलब बिल्डिंग लाइन के ऑपोजिट साइड में आप लोग जो है बिल्डिंग बना सकते हैं। इसीलिए जो है बिल्डिंग लाइन हम लोग जो है अवॉइड करते हैं। ये जो है क्यों देता है ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो हम लोग चलते नेक्स्ट स्लाइड में। एज पर IRC SP 39/1986, ये चीज़ आप लोग जो है बहुत अच्छे से जो है ध्यान दीजिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार SP 39/1986 का कोड अनुयायी हम लोग जो है ये जो पेवमेंट का फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलिए, रिजिड पेमेंट बोलिए, मतलब कोई भी रोड का हम लोग जो है डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन का मतलब क्या, उसका कैरिज वे का अपना कैरिज वे अपना जो है उसका ट्विथ कितना होगा, उसमें कैम्बर कितना दिया जाएगा, उसमें बर्म कितना होगा, ठीक है, पाथवे कितना होगा, शोल्डर एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो यही चीज़ जो है, और आप ये जो है ध्यान से जो है समझ लीजिए इसको। ये सिंगल लेन के लिए 3.7 मीटर, ठीक है, कैरिज वे बोल रहा है। टू लेन नो कर्व के लिए 7.0 मीटर, टू लेन राइट कर्व के लिए 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट कर्व के लिए 5.5 मीटर एंड मल्टी लेन के लिए 3.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक जो दिया हुआ है, एक व्हीकल दिया हुआ है, ठीक है, एक व्हीकल दिया हुआ है। व्हीकल का जो चौड़ाई रखा है 2.44। क्यों? क्योंकि एज पर IRC स्पेसिफिकेशन एक व्हीकल का चौड़ाई 2 मीटर 440 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और उसका जो स्पेसिंग दिया है सिंगल लेन के लिए 0.68 मीटर, मतलब 680 mm, उसके स्पेसिंग और उसका जो व्हीकल का जो है विड्थ मिला के 3.8 मीटर। हम लोगों का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3.75 सिंगल लेन के लिए, तो किस लिए अपना 3.75 दिया, ये आपको जो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टू लेन के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि वही जो टू लेन मतलब दो गाड़ी जाएगा, तो अपना 2.44 × 2, यहाँ पे 2.44 हो गया, यहाँ पे 2.44 हो गया। उसका जो क्लियरेंस दिया हुआ है यहाँ पे 530 दिया है, और बीच में 1 मीटर 60 mm, ठीक है, 1.06, ठीक है। तो ये टोटल अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे हम लोगों को मिलेगा 7.0 मीटर। तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वही लिखा हुआ है, तो 7.0 मीटर। तो आप लोग समझ में आ गया। अभी एक चीज़ और है कि टू लेंथ राइस कर्व के लिए 7.5, मतलब ये भी तो यहाँ पे तो दिखाया गया 7.0, तो 7.5 कहाँ से आएगा, मतलब 500 कहाँ जो है अपना ये होगा पड़ गया। तो 500 ये जो कर्व के लिए बड़ा है। अभी कर्व कैसा होता है, ये जो है इसको बोलते हैं कर्व। रोड का साइड में आप लोग देखिएगा कि रोड को जो है अपना पाथवे से अलग करने के लिए, ठीक है, शोल्डर से जो है अलग करने के लिए एक कर्व होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कर्व। ये इसको कर्व स्टोन भी जो है बहुत जगह जो है नाम दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम टाइम क्या करता है कर्व को जो हम लोग स्टोन से बनाते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। ओके, अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा शोल्डर और कैम्बर के बारे में। अभी शोल्डर आप लोगों को मैं पहले जो है दिखाया था, और एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग शायद भूल गए होंगे। ये जो इसको बोलते हैं शोल्डर, इसको बोलते हैं शोल्डर। ये जो कैरिज वे के बाजू में जो रोड को सपोर्ट दे रहा है, और मतलब इसका और एक काम भी है, तब मैं जो है इसको इसका और एक काम भी है। इसका काम क्या है, ये जो अगर मान लीजिए रोड में कोई गाड़ी जा रहा है और गाड़ी अचानक जो है ख़राब हो गया तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए तो गाड़ी को मान लीजिए साइड करना पड़ेगा, तो साइड में रखना पड़ेगा। तो गाड़ी कहाँ साइड करेगा, रोड के बाजू में साइड करेगा, इसीलिए शोल्डर जो है हम लोग का जो है रहता है। तो शोल्डर का विथ कितना रहता है, तो उसी हिसाब से हम लोग का जितना मान लीजिए एक गाड़ी का जो अपना ये रहेगा, उस हिसाब से हम लोग का जो है 2.5, एक गाड़ी का चौड़ाई एज पर IRC 2.44 रहता है, तो उससे थोड़ा जो है ज़्यादा रखता है, मिनिमम विथ ऑफ शोल्डर 2.5 मीटर, ठीक है। और कैम्बर जो है, एक कैम्बर किसको बोला जाता है, एक रोड है, मान लीजिए एक रोड है, रोड अगर आप रोड को जो है अच्छे से जो अगर मान लीजिए देखिएगा, तो कोई भी रोड एकदम स्ट्रेट नहीं होता, उसमें क्या होता है थोड़ा स्लोप रहता है, क्योंकि
ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज मतलब बारिश होगा तो बाड़ी जो अपना बारिश का पानी अगर रोड के ऊपर जो है जम गया तो रोड ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए उसको जो है हम लोग कर्ब जो है हम लोग सॉरी हम लोग जो है कैम्बर हम देते हैं, ठीक है। तो कैम्बर किस लिए देते हैं? कैम्बर इसलिए देते हैं कि ड्रेनेज के लिए, प्रॉपर ड्रेनेज हो हम लोगों का। तो कैम्बर फॉर हाईवे एंड कॉन्क्रीट रोड, मतलब कॉन्क्रीट रोड और हाईवे के लिए हम लोग 1:5, 1:50। 1:50 का मतलब क्या है? 1:50 मतलब कभी भी अगर 1:50, 1:30, 1:20 अगर बोलेगा, एक फार्मूला आपको मैं जो है बता देता हूँ, 1 जब भी बोलेगा तब उसको 1000 पकड़ लीजिए और डिवाइडेड बाई 50, एकदम सिंपल फार्मूला है। अगर उसको हम लोग कैलकुलेशन करें तो आएगा कितना, 20 आएगा। मतलब 1 मीटर में वही 20 को हम लोग कैसे हम लोग काम पे लगाएंगे कि 1 मीटर में 20 में आपका स्लोप रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया कि मतलब 1 मीटर जाएगा फिर 20 का ये जो अपना स्लोप आ जाएगा, फिर 1 मीटर जाएगा फिर जो है 20 का अपना स्लोप आ जाएगा, ऐसे करके जो अपना स्लोप रहेगा जिसका। कैम्बर फॉर बिटुमिनस रोड 1:40, वही अपना वही वाला फॉर्मूला, 1000 बाई 40 = 25 mm। कैम्बर फॉर WM रोड 1:33, इसको 1000 बाई 33 करेंगे तो 33 mm आएगा। कैम्बर फॉर अर्थन रोड 1:25, इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे 25 को कितना आएगा, 40। तो 40 मतलब 1 मीटर के लिए 40 mm हम लोग जो है स्लोप रखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्लोप आ रहा है कैम्बर ऑफ फॉर अर्थन रोड, मिट्टी के रोड में, क्योंकि पानी से सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो मिट्टी के रोड में होता है, क्योंकि मिट्टी का पार्टिकल जो है उतना स्ट्रेंथ जो कंक्रीट से तुल जब अगर कंक्रीट से अगर मिट्टी का हम लोग तुलना करें तो कंक्रीट तो बहुत ज़्यादा अपना जो है ये रहता है, ठीक है, ठीक है, हार्ड रहता है, ठीक है, मिट्टी से, और बिटुमिनियस भी हार्ड रहता है, WB उससे तो थोड़ा बहुत ये रहता है, ठीक है। तो इसलिए अर्थिंग रोड में हम लोग का कैम्बर थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसके बाद WA में थोड़ा ज़्यादा, फिर बिटुमिनियस भी ज़्यादा, एकदम थोड़ा सा जो है कैम्बर रहता है वो हाईवे के लिए, क्योंकि हाईवे में हम लोगों का उतना खतरा नहीं रहता मिट्टी जमने का भी, ठीक है। स्लोप फॉर साइड स्लोप फॉर हाईवे सॉरी साइड स्लोप फॉर हाईवे, साइड स्लोप क्या बोलते हैं आप लोगों को, मैं पहले एकदम जो है दिखाया था साइड स्लोप, इसको बोलते हैं साइड स्लोप। आप लोग देख सकते हैं कि साइड स्लोप क्या है, ये होता है साइड स्लोप। ये क्यों दिया जाता है? एक नंबर तो ड्रेनेज के लिए और दूसरा जो है अर्थ प्रेशर को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए, ठीक है, साइड स्लोप दिया जाता है। तो ये जो साइड स्लोप है ये यहाँ पे दिखाया है कि 1:2, 1 मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज़ होता है, यहाँ पे मैं लिखा भी है कि वर्टिकल और जो है हॉराइजॉन्टल, मतलब 1 वर्टिकल है और 2 हॉराइजॉन्टल है। तो ऐसे करके एक जो ड्रॉ करेंगे हम लोग, जो ड्राइंग में भी जो है ऐसा रहता है 1 और 2। तो इसमें से हम लोग क्या समझ सकते हैं, इसमें से ये समझ सकते हैं कि 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। अभी 0.5 का मतलब क्या है, 0.5 वही सेम वाला फार्मूला, 1 मीटर जाएंगे 0.5 mm जो है स्लोप आएगा, 1 मीटर जाएंगे 0.5 mm स्लोप आएगा। अगर 10 मीटर जाएंगे तो कितना mm स्लोप आएगा, 1 मीटर जाएंगे तो 5 mm आएगा, 2 मीटर में 10 mm, 3 मीटर में 15 mm, 5 मीटर में, ऐसे करके जो है आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। बर्म, बर्म जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द रॉ डिस्टेंस बिटवीन द रोड टॉय, इस ये जो टॉय लिखा हुआ है ये टॉय का मतलब है टॉप ऑफ एम्बैकमेंट। अभी टॉप ऑफ एम्बैकमेंट और इनर एज ऑफ द बोरो पिट, उसको बोलते हैं बर्म। आप लोग को मैं एक बार दिखा देता हूँ बर्म कहाँ पे, ये देखिए इसको यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं बर्म, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ये जो है बर्म, ठीक है, ये जो है बर्म, ये बर्म क्या है, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द एम्बैकमेंट टू द ड्रेनेज का टॉप, इसका जो लेवल होता है उसको बोलते हैं बर्म, ठीक है। तो आशा करते समझ गया है ये इसका क्या क्या है, इसका ये जो है इट्स प्रिवेंट्स द इरोशन ऑफ एम्बैकमेंट सॉइल, ये जो सॉइल है इसका, ये जो सॉइल है इसका, इसको जो एरोसन करने से जो है रोकता है, एरोसन मतलब खै, ठीक है, एरोसन मतलब खै का जो होता है ना, ठीक है, वो करने के लिए जो है रोकता है उसको, ठीक है। तो मिनिमम हाइट ऑफ द कर्व एज पर IRC, हम लोग जो कर्व का बारे में जो आपने बोला, कर्व जो आपको जो मैं ये जो कर्व होता है इसका हाइट कितना रहता है एज पर इंडियन जो अपना स्पेसिफिकेशन रहता है, ठीक है,
इंडियन रोड कांग्रेस उसके हिसाब से 150 mm जो है अपना रखते हैं कर्व। उसके बाद हम लोग क्या बताएंगे, सेट बैक डिस्टेंस। सेट बैक डिस्टेंस आप लोग के बाद मैं दिखा देता हूँ और एक बार सेट बैक डिस्टेंस इसको बोल, ये जो ये देखिए मैंने आपको वीडियो का जो एकदम पहले आपको जो बताया था कि ये एक चीज़ है सेट बैक डिस्टेंस, जो बिल्डिंग लाइन का जो है, बिल्डिंग लाइन जहाँ पे होता है वहीं पे आता है, मतलब ऑब्स्टेकल जहाँ से हम लोग का शुरू होता है। ऑब्स्टेकल मतलब एक दीवार हो सकता है, एक पेड़ हो सकता है, मतलब जहाँ से हम लोग को कुछ दिख नहीं पाएगा, ऑब्स्टेकल उसी को बोला जाता है। वही ऑब्स्टेकल शुरू कहाँ से होगा वो सेट बैक डिस्टेंस के ऊपर जो है निर्भर करता है, कौन सा रोड पर सेट बैक डिस्टेंस कितना होगा उसके ऊपर जो है हम लोग उसका जो है बिल्डिंग लाइन ये करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। अच्छा तो हम लोग आगे बढ़े सेट बैक डिस्टेंस के ऊपर, तो सेट बैक डिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे लिखा है कि एक जो ये जो है एक रोड जा रहा है, रोड का सेंटर लाइन ये है, एक गाड़ी यहाँ से आ रहा है, एक गाड़ी यहाँ से जा रहा है, तो एक गाड़ी का जो ड्राइवर है ये इधर से ये गाड़ी को देख पाएगा क्योंकि सामने कोई ऑब्स्टेक नहीं है, सामने कोई ऑब्स्ट्रक नहीं इसीलिए देख पाएगा। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन अगर एक गाड़ी का सामने आ जाएगा, मतलब मान लीजिए ये ऑब्स्ट्रक्शन सामने आ गया तो ये दोनों गाड़ी अपने आप को देख नहीं पाएगा, यहाँ पे जो है रुक जाएगा उनका जो है आँख, ठीक है। तो इसीलिए एक डिस्टेंस जो है तय होता है कि अगर मान लीजिए स्लोप है तो स्लोप में एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को कितना दूर तक जो है देख सकता है, उसको उसके लिए जो सेट बैक डिस्टेंस जो है निकाल लगाया है। तो अपना रोड का जो सेंटर है उधर से जो लाइन ऑफ साइट है, मतलब कहाँ तक एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को देख पाएगा उसका जो डिस्टेंस रहता है उसको ही को बोलता है सेट बैक डिस्टेंस। समझ में आ गया दोस्तों? अच्छा फिर से मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, एक रोड का जो सेंटर लाइन होता है और जो लाइन ऑफ साइट होता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द रोड टू द लाइन ऑफ साइट, दिस इज़ कॉल्ड सेट बैक डिस्टेंस। क्लियर? ओके, थैंक यू दोस्तों इतना देर तक जो है मेरा वीडियो देखने के लिए, आशा करते हो आपको जो है समझ में आ गया। मैं एकदम दावे के साथ आपको जो है बता सकता हूँ कि ये जो वीडियो में आपको जो मैं बताया है ये टोटल जो है इंटरव्यू में आ सकता है, कोई भी एग्ज़ाम में आप लोग जाइए तो एज़ पर IRC आपको जो है पूछेगा, ठीक है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से जो आएगा। तो ये वीडियो देखिए, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मेरे को जो है कमेंट कीजिए, अगर कुछ और वीडियो जानना है और कुछ मतलब आपको जो है जानने का बहुत इच्छा है, आग्रह है, तो मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में आप ये कीजिएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर से जो है हम लोग का यह होगा मुलाकात होगा, अभी के लिए बाय।